नमस्ते दोस्तों, जो कल एक घटना हुई है, जो बहुत ही निंदनीय घटना है दोस्तों, हम लोग उसकी जितनी निंदा करें वो कम है। मैं सिर्फ घटना को निंदनीय कह रहा हूं, किसी बाबा को या किसी को उसके मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि वो कैसे है कैसे नहीं है, मगर जो कल की घटना है मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं दोस्तों। घटना बहुत ही हृदय विदारक है दोस्तों। लगभग अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो लगभग 121 लोगों की खबर आ चुकी है जो इस दुनिया में नहीं है, और कम से कम 800 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो हाथरस की घटना है, एक कथाकथित बाबा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों मैं उनका, जो पुलिस में थे और 1998 से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो पटियाला के रहने वाले हैं यूपी में ही, और उनका कल सत्संग था दोस्तों, गर्मी भी कल बहुत थी, और उन्होंने परमिशन भी ले रखी थी एसडीएम द्वारा, हाथरस के एसडीएम द्वारा उन्होंने परमिशन भी ले रखी थी दोस्तों। तो एटा जिले के पटियाले के रहने वाले हैं दोस्तों ये, और परमिशन भी इन्होंने ले रखी थी। बात यह है दोस्तों, इनके खुद के गार्ड्स होते हैं, जो पब्लिक जाती है वो खुद ही इनको मतलब सब काम करती है, और प्रशासन को अंदर भी नहीं जाने देती, जैसा कि न्यूज में दिखाया गया है और बताया गया है। ये कहते हैं कि हम लोग अपने आप ही सब कुछ व्यवस्था संभाल लेंगे, है ना, सारी व्यवस्थाएं खुद ही देख लेंगे, मगर इनके जो कमांडो थे, मतलब जे ही जो जाते हैं सत्संगधारी वर्दीधारी, वो 40 थे, और भीड़ भाई साहब जो इन्होंने अनुमति मांगी थी उससे कहीं ज्यादा पहुंच गई थी। लगभग जो लोग बता रहे हैं दोस्तों, लगभग 80,000 1,00,000, कोई कोई तो 2-2 लाख तक भीड़ कह रहा है, मगर मैं 80 से 1,00,000 की भीड़ मानता हूं, जो कि इनके सत्संग सुनने को पहुंची थी। भाई ना मैं इनको गलत ठहरा रहा हूं दोस्तों, और ना ही कुछ कह रहा हूं, क्योंकि जनता का भला होता है तभी वो किसी के पास जाते हैं। अगर जनता का भला नहीं होगा तो वो जनता, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आखिर ये घटना क्यों हुई, ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे, और वहां पर जब इन्होंने विश्वहरि ने सत्संग समाप्त किया, तब इनके जो पैरों की धूल होती है उसको लेने के लिए लोग भाग पड़े। अब संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग इनके पैरों के नीचे की धूल को उठाने पहुंचे, और भगदड़ मच गई। वहां कुछ जमीन भी गीली थी जिसके कारण लोग फिसलते गए, मगर लोगों की क्रूरता इतनी थी दोस्तों, जो लोग गिर गए वो इनके ऊपर पैर रख के, आप समझ सकते हैं, जो गिरे हुए बच्चे बूढ़े उनके ऊपर पैर रख के उस मिट्टी को पाने के लिए आगे भागते गए। मुझे लगता है मात्र एक ही कारण है, ये उनकी मिट्टी का, जो भी मिट्टी लेके आते हैं लोग, सजाते हैं या कुछ भी करते होंगे, उस मिट्टी के चक्कर से ये पूरी भगदड़ हुई है। और इतने मासूम बच्चे भले बुजुर्ग, आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उन गुरु जी को नहीं जाना था वहां से, मगर वो फरार हो गए, ये बहुत ही गलत बात है। तो जो गुरु जी वहां से चले गए, और मीडिया का कहना है दोस्तों वो फरार हैं और वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए और मौके पर ही भाई साहब मुआयना करना चाहिए। जिन परिवार ने अपने बाल बच्चे खोए हैं, छोटे छोटे बच्चों की निप्पल, जो दूध दानी होती है, दूध जिसमें पीते हैं, निप्पल कहते हैं शायद उसको, छोटे छोटे बच्चों के सैंडल्स चप्पल बुजुर्गों के ऐसे पड़े हैं दोस्तों कि उनको देखकर बहुत ही विचलित, तस्वीरें कह सकते हैं, विचलित हो जाना
और अपने आप में बहुत ही ग्लानि महसूस करना कि लोग आखिर इतने क्यों गए, उनको ये भगवान का स्वरूप मानते हैं, उनके हाथ में इन्होंने जो भी पोस्टर वाले हो तो सुदर्शन चक्र हाथ में उनके दिखाया गया है। तो मुझे लगता है इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि वहां पर इतने सारे लोग बेचारे कहीं के नहीं रहे, बहुत ही गलत बात है उनकी। और बाबा की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है, और सब बाबाओं की तरह ये भगवाधारी नहीं है, ये थ्री पीस का सूट पूट पहनते हैं और इनका कोई भी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है, बाकी बाबाओं की तरह ये नहीं है, इनका अलग ही है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है।